वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। और आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो पिछला वाला व्लॉग आपने देखा संडे का, तो ये उसी व्लॉग का कंटिन्यूशन है। और अभी घर पे था, अरे यार पानी लग गया दो मिनटों को। हाँ तो घर पे ही था, बहुत मतलब लेजी सा संडे जा रहा था। तो मैंने और मेरे भाई ने सोचा कि कहीं घूमने चलते हैं। निकल घूमने आया तो बहुत तेज़ बारिश होने लगी, तो ज़्यादा दूर नहीं जा रहे। तो फिर हमने यहाँ पे ऐसे स्क्वायरल है वो पीछे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे खाने आए थे। तो खा पी के फिर घर निकलते हैं। ये पार्ट मतलब पिछले व्लॉग में इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए ये अलग से बना रहा हूँ, है ना। तो ज़्यादा बड़े बड़े व्लॉग भी अच्छे नहीं लगते, आप भी बोर हो गए। और ठीक है तो देखो अब आगे क्या होता है, बताता हूँ आपको। हाँ पनीर रोल मंगाया इसका, देखते हैं अगर और होगा तो। ये मंगा रहा है भाई, अभी देखते हैं इसको खा के कैसा क्या रहता है। अच्छा अच्छी जगह है, मतलब छोटी सी। The next day. So guys, welcome back. और आज है मंडे, कल वहाँ से आने के बाद मैं वीडियो अपलोड करी थी। इससे पहले वाले जो व्लॉग आपने देखा उसको मैंने अपलोड करा था कल रात में, और फिर मैं सो गया था, कुछ दिखाने को था नहीं ज़्यादा। तो आज मंडे और अभी मैं कॉलेज के लिए उठा हूँ, मेरे को कॉलेज जाना है। और अभी ये दिन की मील, पहली मील ही बोल लो, मतलब ये प्रोटीन पी रहा हूँ, ख़त्म ही हो गया। और ये एक एप्पल खाया था इसके साथ में, मतलब वही पीनट बटर और ब्रेड भी लेता था। निकल नहीं, पीनट बटर नहीं, वो तो दूसरी मील के साथ लेता था इसके बाद वाली। मैं इसके साथ ओट्स खाता था, हाँ ओट मील खाता था। निकल अभी सब बंद करके रखा, अभी लेना है, फिर से जाऊँगा। प्रोटीन भी ख़त्म होने वाला है मेरा, प्रोटीन क्रिएटिन भी ख़त्म हो गया। ये तो साले मेरे, मतलब आप लोग रिलेट कर सकते हो, ऐसा होता है कि खर्चे आते हैं तो फिर एक साथ ही आते हैं पूरे, और एक एक करके कभी नहीं आते। अभी सोचो प्रोटीन भी लेना, क्रिएटिन भी लेना, फिर ओट्स भी लेना, जाके जिम की फीस भी भरनी है अभी मेरे को। अच्छा खर्चा आएगा 4-5 हज़ार का, और ठीक है ना। तो ये है, और इस वाले व्लॉग में मैं आपको डाइट भी बताऊंगा, ठीक है। जो भी मैं मील लूँगा, जैसे अभी ब्रेकफास्ट ले रहा हूँ तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे आप प्रोटीन नहीं पीते हो, ठीक है, किसी भी रीज़न से आप प्रोटीन नहीं अफोर्ड कर सकते हो, आपके घर वाले मना करते हैं, तो अगर आप एग खाते हो तो आप 4-5 एग खा सकते हो, ठीक है। 4-5 ज़्यादा बोलती, 4, ठीक है, एग खा लेना, और उसके साथ कोई सा भी फ्रूट ले लेना। मैं जनरली एप्पल ही खाता हूँ, और ओट्स खा लेना उसके साथ, ठीक है। फिर सेकेंड वाली मील में मैं अभी कॉलेज जा रहा हूँ, तो कॉलेज में मैं स्प्राउट्स लेके जाता हूँ, रोज़ का है, ठीक है, स्प्राउट्स। और मैं क्योंकि ज़्यादा भूख लगती नहीं, और ज़्यादा लंबा कॉलेज रहता नहीं है, 1:45 को छुट्टी हो जाती है, और 2:15 तक घर आ जाता हूँ। तो कुछ ज़्यादा नहीं लेके जाता, थोड़ा बहुत लेके जाता हूँ, स्प्राउट्स ही लेके जाता हूँ। फिर घर आके मैं थोड़ी बड़ी मील ले लेता हूँ, क्योंकि उसके 2-3 घंटे बाद मेरा वर्कआउट होता है। तो जैसे रोटी खा लिया, चावल खा लिया, वो तो मैं आपको आके बता दूंगा। तो वही है, इस वाली वीडियो में आपको डाइट बताऊंगा, तो ये वीडियो पूरी देखना। और वेजिटेरियन जितने भी हैं उनको भी डाइट बताऊंगा, ठीक है, तो ये वीडियो पूरी देखना, और आपके जो भी दोस्त हैं वेजिटेरियन उनके साथ शेयर कर देना। तो चलो अब मैं आपको मिलूँगा। अभी तो मेरे को ड्रेस व्रेस पहननी है, उसके बाद फिर जाऊँगा फटाक से कॉलेज, नहीं तो लेट हो गया तो फिर वो गार्ड चिक चिक करता हर बार, है ना। तो चलो मिलता हूँ। और कल सुबह इतना मतलब मस्त मौसम था, रनिंग के लिए गया था, इतनी धूप थी, और कल रात में इतनी बारिश हुई है, देखो आप एक बार, पूरा वहाँ पे पानी पानी भर गया, देख रहे हो, बहुत मस्त बारिश हुई है कल रात में। चलो बाय मम्मी, बाय। हाँ बहुत गर्मी है यार। चलो आपको मिलता हूँ सीधे कॉलेज में, बाय। भाई बंक क्यों मारते हो भाई, मामा बंक क्यों मारते हो भाई, बहुत अच्छा लगता है, एक सुकून सा मिलता है। भैया हाय बोल दो यार, इसमें हाय बोल दो, इसमें हाय बोलना, लाइक और सब्सक्राइब कर दो, लाइक लाइक सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब, हाँ ठीक है, थैंक यू भैया। अबे ये वाले सलून उधर कहाँ जा रहा है, थैंक यू भैया शॉट आउट देने के लिए। ये रहा है हमारे पूर्वज। अब सुन मेरी बात, मैं ऐसे जाऊंगा आगे और मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा, तो तू बोलना कि सर बिग फैन बिग फैन, मैंने आपको इंस्टाग्राम पे देखा था, ठीक है, अपना आपको मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था ये वो, ठीक है। सो गाइस अभी फ्री पीरियड था तो हमने सोचा असाइनमेंट कर लेते हैं, तो वही कर रहे थे अभी, तो वही अभी पानी वानी भरने जा रहे हैं, ठीक है। सर बिग फैन सर, आपने कहा देख लिया, ह्यूज फैन सर, आपके ह्यूज फैन सर, मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ,
आपके बाइसेप्स आई के ट्राइसेप्स सर, अरे अरे मुझे बनाने सर आपकी तरह। धन्यवाद धन्यवाद। आपकी बैग भी बहुत ये है। फैंस मिलते रहते हैं मुझे ऐसे कॉलेज में, ठीक है अनाब फैंस। Cause the past year's been fast asleep. All you want weekly salary, but the stress alone burn my calories. Stress alone burn my calories. Vibe out on his side, yeah. Prime all of my life, yeah. Gemini and two-faced wolf. Couldn't read all the signs, yeah. Still off on the same smoke. Hotbox in a Range Rover. She said what I say ain't right. Let me explain it. I just use. तो गाइस मैं कॉलेज से आ गया था और उसके बाद मैंने आने के बाद मतलब मैं जनरली रोटी खाता हूँ है ना निखिल, आज रोटी नहीं बनी थी, आज मम्मी ने पुलाव बनाया था तो मैंने थोड़ा सा पुलाव खाया थोड़ा सा तो, हाँ मतलब मेरे को अंदाजे से पता नहीं कितना खाया था, वो मेरे को भूख लग रही थी मैंने जल्दी जल्दी खा लिया। और उसके साथ मैं ये सोयाबीन खाता हूँ उसके मतलब 10-15 मिनट बाद है ना, तो ये सोयाबीन है तो सोया चंक्स बोलते हैं इसको, सोयाबीन बड़ी बोलते हैं है ना, तो प्रोटीन इससे हो जाता है ठीक है। वेजिटेरियन है भाई, अब जो नॉन वेजिटेरियन है वो चिकन विकन खा लेते हैं, निकल हमारा ऐसा ही है, हमको ये सब खाना पड़ता है ना, तो इसको मैं ऐसी वैसे गलाने के बाद ऐसी थोड़ा टमाटर वमाटर डाल के खा लेता हूँ। आप इसको अच्छे से बना सकते हो वो जैसे मैगी मसाला और वो सब डाल के घी वी में डाल के बनाते हैं यार, राइस वाइस पता नहीं कैसे बनाते उसको, पहले मैं बनाता था बहुत उसको निकल, अब मेरा मन भर गया उससे तो मैं बंद कर दिया उसको है ना, तो मैं ऐसे ही खा लेता हूँ मैं, तब जब मेरा जैसा मन रहता है मैं वैसे खाता हूँ, अभी मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है तो मैं ऐसे ही खा लेता हूँ फटाक से। और उसके बाद मतलब जो वेजिटेरियन है वो ये खा सकते हैं, और इसके अलावा नहीं तो आप पनीर खा सकते हो, पनीर की सब्जी, रोटी खा सकते हो, चावल खा सकते हो है ना, तो मैं पनीर रात को खाता हूँ इसलिए मैं ये अभी मतलब अभी ये खा लेता हूँ। और नॉन वेजिटेरियन का क्या है भाई, चिकन विकन खाओ मस्त अपना दबा के, प्रोटीन पूरा करो दिन का। तो चलो इसको मैं खाता हूँ, उसके बाद जिम से पहले आपको मिलूँगा, जिम जाने से पहले, जिम जाने से पहले मैं छोटी सी मील लेता हूँ, केले खा लेता हूँ और नहीं तो पीनट बटर ब्रेड खा लेता हूँ है ना, भूख के हिसाब से रहता है मैं को, जैसी भूख लगती है उस हिसाब से खाता हूँ। तो चलो इसको खाता हूँ जल्दी से, फिर आपको मिलता हूँ। I'm gonna stand for my key in the dagmore. I can't pretend to forget. You're the reason I bust a hole in the wall back home. And then a couple hours later, we're in room 29 at the chateau. I left before you woke up. घर जाके समझाऊंगा कैसा क्या वर्कआउट हुआ है, ठीक है। मैं 5 बजे आया था और अभी 9 बजने वाला है, घर पे बताऊंगा कैसा क्या वर्कआउट हुआ था है ना। और ये आदि इसको तो जानते ही होगे, पहले भी वीडियो में आया है ये, इसको पता है मेरी क्या हालत हुई है आज, इससे कॉफ़ी बीच वर्कआउट में कॉफ़ी ली है इससे पीन, वर्कआउट हो नहीं रहा था इससे, कॉफ़ी पी पी के वर्कआउट करा मैंने, इसी को पता है। चलो तो चलो
अब घर पे मिलते हैं, है ना। वर्कआउट वर्कआउट हो गया है, घर पे जाके बताता हूँ क्या वर्कआउट के बाद क्या मील लेता हूँ, क्या खाता हूँ, है ना। तो चलो सीधे घर पे मिलता हूँ। सो गाइस, मैं घर आ गया था और मैं करीब 9:15 तक आया था घर, ठीक है। और उसके बाद मैंने नहाया वाया, उसके बाद फिर मैंने इंस्टेंट प्रोटीन के लिए फिर मैं वे प्रोटीन पी लेता हूँ। और फिर उसके बाद मेरी लास्ट मील रहती है जिसमें मैं 100 ग्राम पनीर प्रोटीन के लिए और बाकी दाल चावल सब्जी रोटी जो भी रहता है घर पे वो खा लेता हूँ, ठीक है। और बाकी भाई नॉन वेजिटेरियंस के लिए क्या है भाई, अपना अंडे वन जो भी है एग्स वेग्स खाओ और चिकन विकन खाओ, तुम्हारा क्या है भाई। प्योर वेजिटेरियन के लिए है थोड़ा मुश्किल। और भाई प्योर वेजिटेरियन का भी ये नहीं है कि आप बिना वे प्रोटीन के बॉडी नहीं बना सकते भाई। मैंने कुछ टाइम तक बिना प्रोटीन के बॉडी बनाई है जितनी भी थी, ठीक है। उसके बाद भाई एक सर्टेन पॉइंट के बाद आके लगता है कि यार कितना खाएंगे तो वे प्रोटीन लेना ही पड़ता है। घर वालों को भाई मनाओ भाई, दिला देते, मेरे घर वाले भी पहले नहीं मानते थे। चलो ये सब बात मैं बाद में करूँगा, वैसे ही ब्लॉग बहुत बड़ा बन गया है। तो हाँ, मैं वर्कआउट के बारे में बात करने वाला था। तो वर्कआउट का क्या था भाई, मैं जो सोच के गया था उससे पूरा पलट गया था और मैं बहुत सारे चीज़ों की वीडियो भी नहीं बना पाया क्योंकि आज वर्कआउट सर के सामने हुआ था, जो कि बहुत कम होता है, जो सर हैं जो पावर लिफ्टिंग करवा रहे हैं। तो मतलब ये सोच के गया था कि स्क्वाट थी आज मेरी, ठीक है, स्क्वाट तो वो लो बार, तो वो मेरी 95 से रहती है, 95 किलो से मारनी थी मेरे को आज। तो सर थे, सर के सामने 95 किलो से 5 रैप मारे, बहुत ईजी आया। उसके बाद 95 से मारने के बाद सर ने बोला वेट बढ़ा दो, 100 करा, 100 से भी बहुत ईजी आया, फिर 105 से भी ईजी आया। लास्ट मतलब लास्ट जो 5 सेट मारने थे तो 5th सेट तक थोड़ा क्या बहुत थक गया था, तो लास्ट सेट बहुत थोड़ा वो आया, थोड़ा टाइट आया था, बाकी सब ठीक था। और उससे पहले भी मैं बहुत सारे वार्म अप और ये सब 95 से और बहुत थक गया था मैं, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक था, अब अगली बार वेट बढ़ाना होगा तो सर बताएंगे। फिर नेक्स्ट था हमारी मतलब क्लोज ग्रिप बेंच थी, लेकिन सर ने वो भी बोला कि क्लोज ग्रिप बेंच की जगह बेंच प्रेस जो कंपटीशन बेंच रहती वो मारने का। तो फिर कंपटीशन बेंच मारी, उसमें भी 4 सेट लिए हैवी, तो वही है पूरी मतलब बहुत थक गया था। उसके बाद फटाक से वर्कआउट करा, मैं लेट भी हो गया था आज, इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी, है ना। और वर्कआउट का पार्ट मैं थोड़ा छोटा ही रखने की कोशिश करूँगा आपसे, क्योंकि बोरिंग हो जाता है एकदम बहुत सारा वर्कआउट का पार्ट और ब्लॉग। और यही बताना चाह रहा हूँ कि मैं दिन मतलब दिन ब दिन अपने आप को, अरे लाइट चली गई, शिट। हाँ तो गाइस लाइट आ गई है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे मतलब मैं अपनी साइड से 100% देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और आई होप आपको ये जो भी ब्लॉग्स है वो अच्छे लग रहे होंगे। हर ब्लॉग में कुछ नया चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो एडिटिंग भी इंप्रूव कर रहा हूँ, सब चीज़ है। अब आगे जाके डिवाइस भी नया ले लूँगा, बाकी अगर देखेंगे आगे का, इतना ही सोच रहा, ठीक है, बता रहा हूँ बस। तो यही था, ये ब्लॉग वैसे भी बहुत बड़ा हो गया है तो फालतू बात ज़्यादा ना करते हुए, सो ये ब्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और अच्छे अच्छे कमेंट करके ज़रूर जाना भाई। कमेंट मतलब मोटिवेट करते हैं, लिटरली मोटिवेट करते हैं अच्छे अच्छे कमेंट। और ठीक है तो कमेंट्स कर देना कुछ भी भाई, अच्छा नहीं भी लगा हो ना तो मेरे को बता देना भाई ये ब्लॉग अच्छा नहीं था, तो भाई मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, सिंपल सी बात है। अच्छा लगा होगा तो भाई अच्छे कमेंट्स कर देना भाई, पढ़ के मज़ा आता है। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, सबसे मेन चीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता भाई, एक सब्सक्राइब दबा दो बस, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, एक तो मजाक सट के बहुत थक गया हूँ, बहुत नींद आ रही है, बोलने का भी मन नहीं कर रहा। तो यही था ये ब्लॉग में, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखो, बाय।